ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज फिर वही हॉकर्स का मामला सामने आया है और आज फिर वही मुद्दा हॉकर्सों को लेकर विधायक जितेंद्र आव्हाड पहुंचे थे तलवार नगर पेट्रोल पंप की जगह पर, जहां रमज़ान मार्केट लगाया गया है। पिछले दिनों काफ़ी बवाल चल रहा था कि कोई पैसों का डिमांड बता रहा था तो कोई बाहर वाले को जगह दिया गया है बता रहा था, लेकिन आज विधायक जितेंद्र आव्हाड ने सभी के लिए 4000 से 2000 कम कर दिए हैं। इस बीच कुछ हॉकर्सों को विधायक जितेंद्र आव्हाड ने दुकान लगाने का टोकन बांटा और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा है सुनिए। एक देखो, पहली चीज़ ये 4000 जो मसला फैलाया जा रहा है कि लोग पैसे खा रहे हैं 4000 रुपया लेके, साफ कर दूँ, ये मैंने ही कहा था कि लोगों को जब हम कोई चीज़ फुकट दे देते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, फ्री कर देते हैं, तो उसकी अहमियत नहीं रही। आप रस्ते पे गाली लगाते थे, बांधने का खर्चा नहीं आता था, हफ्ता नहीं देना पड़ता था, यहाँ के दादा भाई सब लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता था, लाइट चोरी की इस्तेमाल नहीं होती थी, ये सबके लिए खर्चा नहीं होता था। आज 4000 रुपया अगर रेट लगाया था तो आपको वॉलेंटियर, सिक्योरिटी, जगह, 24 घंटा लाइट और एक मार्केट जैसी जगह, उसका खर्चा नहीं आएगा। आज 24 घंटा अगर लाइट देनी है तो मुझे यहाँ पे जनरेटर वैन 2 खड़ी करनी है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब लोग कर रहे हैं, ये पापा है, सही बोले है, ये वो सब है, मुन्ना साहिल है, सब लोग मिलके कर रहे हैं, तो उसका तो कुछ खर्चा आएगा ना, और अगर मैं पुकट दूँ तो फिर तो ख़त्म ही होगा, यानी तो फिर तो कोई भी आ जाएगा। दूसरी चीज़, पहली बार वो सिर्फ मुमरा के रहवासियों को दिया जा रहा है, मार्केट में देखा ना आपने, मैं आधार कार्ड चेक करने को बुलाऊँ या जो बैठेगा, और आपको मालूम है कौन पैसा खाता था, कौन पैसा लेता था, किसके गाले लगते थे, मैं मुमरा वासियों को नहीं, मैं क्यों बताऊँ। ऐसा है, दूसरी चीज़, अगर मैंने आपको गाला दिया और आपने भाड़े पे किसी को दिया तो पीलो सीधा 420 का गुना दाखिल किया। ऐसा, मैं पिछले 9 सालों से गाली खा रहा हूँ उमरा वालों कि मार्केट लगता है, जितेंद्र आव्हाड खुद हफ्ता लेता है, खुद पैसे खाता है, कमाता है, हालांकि मैं जानता भी नहीं कौन लगाता है, 100 बार समझा के देगा कोई सुना नहीं, पर मैं एहसान मंद हूँ गुलाब मार्केट के हॉकर्स का, गुलाब पार्क मार्केट का, कि उन्होंने पहली बार इंसानियत के नाते, हमने जब हाथ जोड़ा, कमिश्नर ने हाथ जोड़ा, तो उन्होंने बोला नहीं साहब हमको जगह दो, हम अंदर बैठते हैं। आज मुमरा स्टेशन से निकला हुआ आदमी जब 10 मिनट में कौसा वाई जंक्शन पहुँचता है, उसको इफ्तारी में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, उसके रोज़े में जो वो गुस्से में घर आता है, पूरे पसीना पसीना लथपथ वो ट्रेन से उतरता है, जब से घर पहुंच जाता है, जो सुकून उसको मिलता है, उसके बारे में हम सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे कि 4 पटेलों के लिए पूरे मुमरा को रफा दफा कर देंगे। मुझे ये भी मालूम मिली है कि हमारे यहाँ के 4 पटेल 20 लोगों को लेके थाना के बड़े नेता को मिलने गए थे, जितना मेरे में दम है उतना मैंने रोक के रखा है, अगर इसके बाद भी लोगों को सियासत करके रस्ते पे आना है तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। अगर उसके बाद गुलाब मार्केट भी रस्ते पे आ गया और पूरा रास्ता ही जाम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, मैंने जितना करता था उतना कर दिया। मार्केट की जगह ये मेरे दोस्त की जगह है, उसका नाम सज्जाद भाई है, सज्जाद भाई ने सिर्फ मेरे लिए कहा कि जा जितेंद्र भाई ये ले लो तुम्हारे नाम पे, मित्तल ग्राउंड, उसका मालिक भी मेरा दोस्त है, आज वो दोस्त अमेरिका में बैठा है, उसने भी कहा अगर आपको लगता है तो वो भी जगह मेरी ले लो। अब इतने बड़े लोग अगर जगह दे रहे हैं क्यों, कि ट्रैफिक में आसानी है, तो उसके बाद भी अपना सियासती उल्लू सीधा करने के लिए कुछ लोग सियासत करके रस्ते पे फिर से गाली लगाना चाहते, रास्ता रोकना चाहते, तो फिर आवाम को निर्णय लेना पड़ेगा कि आपकी चाहत क्या है। ये किया है वो आवाम के लिए किया है, मेरे खुद के कोई 20 दुकान लगते नहीं है, मैं कोई मार्केट लगाने वाला नहीं हूँ। सर, पहले एक गाले का 4000 लिया जा रहा था तो कुछ हॉकर्स जो है वो ले नहीं रहे थे, नाराज थे, तो उनकी नाराजगी का मुख्य कारण क्या था, और आज ऐसा है मैंने आज 2000 करके जो दिया है कितने लोगों को दिया, सबका कर दिया, सबका जितना है पूरा मार्केट 2000 कर दिया। ऐसा है कि आपको मैं पूछ रहा हूँ ना, फुकट की लाइट इस्तेमाल करते थे, तकलीफ किसको होती थी,
कहीं पे जाके रास्ता खोद के बांबू गाड़ देते थे, आज पूरा रास्ता कंक्रीट का हो गया है। आप अगर वो कंक्रीट खोद दोगे रास्ता खराब हो जाएगा, फिर इतनी मेहनत करें क्यों हम? तो वो तो सब पहले भी बोल रहे थे कि 315 गाले हैं और 4000 के रेट से तकरीबन 13 लाख हो जाता है, 12 लाख हो जाता है, और जो भी खर्चा होगा 2-4 लाख 5 लाख होगा, तो बाकी के पैसे किसकी झोली में? तो हॉकरों का ये सवाल था सर। एक मिनट, उन लोग लाइट चोरी की इस्तेमाल करते थे, हफ्ता नहीं देते थे, जगह का हफ्ता नहीं देते थे, बांधने का पैसा नहीं लगता है। आज 50,000 रुपया एक जनरेटर वैन का लगता है, एक जनरेटर वैन का। आने वाले 15 दिन अगर वो जनरेटर वैन खड़ा रहेगा तो उसका हिसाब लगाओ ना, बाकी का छोड़ दो, कितना होगा उसका हिसाब? 2 जनरेटर वैन में लगेगी 300 लोगों को लाइट देने के लिए, कितना हो गया उसके हिसाब? 15 लाख तो जनरेटर वैन का हुआ। मेरा एक ही इरादा है कि किसी को फ्री कुछ नहीं देना चाहिए, फ्री देने से लोगों को उसकी जो अहमियत है वो खत्म हो जाए। अभी लोगों को तो अगर माहौल ही खराब करना है, जो पैसा जा रहा है वो खर्च कौन उठा रहा है? वो आपको क्या करने का, कौन उठा रहा है? क्या अल्लाह भेजता है, अल्लाह करता है, अल्लाह देता है, आपको क्या पड़ी उससे, किसके किसे से जा रहा है? आपने सुना विधायक जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा है, इस मार्केट को बनाने में शानू पठान ने कितना कोशिश किया है, और जो लोग इस मार्केट में धंधा लगाने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की शमीम खान और शानू पठान से। जिनको भी गाले दिए गए हैं, टोकन दिए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी हमारे भाई शानू पठान साहब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शानू पठान साहब को, खास करके मुन्ना साहिल को और पापा भाई को, और जो भी हमारे तमाम साथी यहाँ पे लगे हुए हैं इतने दिनों से, कि उन्होंने एकदम ईमानदारी के साथ काम किया है। सबका आधार कार्ड चेक किया है, आधार कार्ड में फ़ोटो बराबर क्लियर किसी का दिखता है नहीं दिखता है उसका भी उसका वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद जा करके वो टोकन उनके हवाले किया है। मेरी बात सुनिए फिरोज़ भाई, आप मेरी बात सुनिए, रिकॉर्ड हमारे पास सब रेडी है, ऐसा हाथ में लेके नहीं बैठे दिखाने के लिए। आपको आज शाम तक हम लोग पूरी फाइल दे देते हैं, आपके माध्यम से पूरी फाइल दिखा दीजिए मीडिया के सामने। कम्प्लीटली हम लोगों ने जो भी कुछ काम किया है, देखिए अभी हमारे आमदार साहब यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शानू भाई कल से कह रहे थे कि शमीम भाई अम्मी के ट्रस्ट से, वालदा के ट्रस्ट से, हमारे ट्रस्ट से हम लोग चेक दे दें 1500-2000 रुपये का। बाखुदा देखिए, ये मैं चेक लेकर के आया था, ये कोई जवानी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को एविडेंस चाहिए ना, ये देखिए, ये मैं चेक लेकर के आया था, ये चेक है, ये देखिए, ये चेक है, ये देखिए 2000 का चेक बना हुआ है, ये बात जवानी में नहीं कर रहा हूँ आपसे। और ये देखिए भाई, एक मिनट, ये देखिए इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट, ये देखिए ऐसे अम्मी का चेकबुक है। इस तरीके से शानू भाई ने मुझे कहा कि भाई आप हम चेक देंगे 2000 रुपये का, ये पूरा चेकबुक इसी के लिए हम लेके यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक शानू पठान साहब का अम्मी का है, एक मेरा है, ये दोनों चेकबुक यहाँ रखा हुआ है। इस तरीके से हम लोगों को आज चेक 2000 रुपये का देना था, लेकिन आमदार साहब यहाँ पे आए और यहाँ पे हॉकर्स लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर हमने मैंने बात शानू भाई ने भी किया और डॉक्टर साहब ने बात किया साहब से कि साहब अगर हम किसी 10 लोगों को चेक देते हैं या चेक 20 लोगों को देते हैं, बाकी लोगों को तकलीफ पहुँचेगी। तो आमदार साहब ने कहा ठीक है, हम सबको 2000 रुपये कर देते हैं, और जो 2000 रुपये कम पड़ रहा है, यानी खर्चा तो है 4000 के ऊपर का, जो कम पड़ रहा है 2000 रुपये, वो 2000 रुपये का हम लोग आपस में, मैं शानू भाई, हमारी भाभी का जो संघर्ष, जो ट्रस्ट है अपना रूता भाभी का संघर्ष ट्रस्ट से, हम लोग 2000 मिला करके, यानी जितने भी हॉकर्स हैं उनको हम लोग चेक देंगे। इस तरीके का हमारी ये प्लानिंग थी, लेकिन आमदार साहब आने के बाद ये डिसीज़न हुआ जो उन्होंने आपके माध्यम से ऐलान किया कि हम लोग 2000 रुपये ही हॉकर्स से लेंगे, बाकी जो कुछ भी नुकसान होगा उसका हम, मैं शानू पठान साहब, हमारी भाभी संघर्ष की रूता अवार्ड साहबा, हम तीनों हमारे ट्रस्ट से पे करेंगे पैसे को। आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कि बाहर जनरेटर लगेगा, यहाँ पे लाइट का पूरा फैसिलिटीज़ होगा, आप पूरा देख रहे हैं माशाल्लाह मार्केट बन चुकी है, तो अच्छे कामों की बुराइयाँ होती रहती है फिरोज भाई, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक नाम मुझे बता दीजिए, मुझे एक नाम बता दीजिए, एक नाम ला के सामने खड़ा कर दीजिए कि ये बाहर का है, तो बाखुदा कहता हूँ जिस तरीके से हम लोगों ने ऐलान किया है एक बात, कि अगर कोई भी कूपन लेने के बाद
अगर वो जाके किसी को रीसेल करता है तो उस पर हम लोग केस बनाएंगे 420 का। अगर कोई भी हमारा साथी ला करके ये प्रूफ दे दे कि ये फला आदमी ने रीसेल किया है, किसी को बेचा है 2000 रुपये लेकर के, तो उसके ऊपर मैं शानू भाई पुलिस स्टेशन जा करके उन पर केस दर्ज कराएंगे। ये मेरा वादा आपके माध्यम से। आप शायद उस दिन नहीं थे जब गाले बांटे गए, सभी लोगों ने 500 रुपये और 200 रुपये दिए एडवांस, 500, 200 और 1000 रुपये दिए गए। किसी से 4000 रुपये नहीं लिया, फिर भी अगर किसी तो 2-4 जन से 4000 रुपये ले लिए गए होंगे तो उनके 2000 रुपये रिटर्न दे देंगे। एक बात, दूसरी बात मैं एक और आपको बात साफ कर दूँ कि यहाँ पर कोई बाहर के लोगों को नहीं दिया जा रहा, ये हमने तय किया है। लेकिन जिन लोगों ने आधार कार्ड दिया है और जिनकी इत्तेफाक से उन्होंने देके किसी भार को दिया होगा तो हम उसकी रीचेकिंग वापस करेंगे। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके न्यूज़ के चैनल से कि अगर आपको मालूमत पड़ता है तो हमें ज़रूर बताइए, हम भी हमारे वॉलंटियर लोगों को बोले वापस चेकिंग करिए। दो चीज़ पे कि बाहर को लोगों को गाला ना मिले और दूसरे लोग अगर ये लेके ब्लैक में बेचे और आगे किसी को दिए, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर कुछ माफिया लोग 25-25 हज़ार रुपये में मेन रोड के गाले देते थे, उनकी ही टारगेट उनको मालूम पड़ा, वो बाहर के किसी व्यापारियों को बेच सकते, ऐसा हम होने नहीं देंगे। एक बात ही, जो बाहर जो लोग चिल्ला रहे कैसा, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, सुनिए ना मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। अगर ये पूरा मुमरा का ये मामला हट जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लोगों का कहानी ख़त्म हो जाएगी और उनकी वजह से ये सब मामला चल रहा है। मैं जानता हूँ कि इसमें 70% लोग गरीब होकर से जो जीनियन धंधा लगाते, लेकिन मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि ऐसे कितने माफिया हैं जिनकी एक एक 10-10 छपड़ी थी रोड पे, 10-10, और उसके हफ्ते लेते थे। लेकिन इसी वजह से कि उनकी परमानेंट पेट पे लात पड़ रही है, उनकी भूमि माफियाओं की कहानी ख़त्म हो रही है, वो तलमलाए हुए इसीलिए ये हरकतें कर रहे और गरीब होकर से उनके लिए उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ हमारी सहानुभूति है और हम उनको लड़के हॉकर्स प्लाजा, हॉकर्स प्लाजा देके रहेंगे। हमने हाल ही में 2 साल पहले कौसा में हमें मिला पे हॉकर्स प्लाजा बनाया था, लेकिन लोग बोलते वहाँ गिराक नहीं आती, तो वो करोड़ रुपए की लागत से हॉकर्स प्लाजा बन के आज भी रेडी है, लोग बोलते वहाँ इतनी दूर गिराक नहीं आते। तो हमने दूसरा उपाय निकाले, हॉकर्स को मित्तल में दिए गुलाब पड़ के, आज 700 हॉकर्स वहाँ पे है। आज उनको पूछिए आप एक बार जाके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रहार टाइम से कि वहाँ वो रोड पे आना चाहते, नहीं आना चाहते। और बचे हुए लोगों को जो कुछ लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप यहाँ पे लगाइए ईद तक, आमदार साहब के सामने बोले, ईद के बाद दूसरी मार्केट जो होकर मित्तल की जो दूसरी की जगह है वो आमदार साहब ने उसके मालिक से बात किया है, जब तक मित्तल का प्रोजेक्ट नहीं बनता वहाँ में आपको टेम्पररी बिठाया जाएगा। और उन्होंने आपके सामने आश्वासन भी दिया है कि एक मार्केट बन रही है उधर परमानेंट बिठा दिया जाएगा 2 एकड़। नगर सेवक शानू पठान शमीम खान ने बताया है कि जो लोग रोड पर दुकान लगाते थे क्या वो हफ्ता नहीं देते थे, वो हफ्ता देते थे, 15 से 20 हज़ार रुपये हफ्ता हॉकर्स माफियाओं को देते थे, उसके बावजूद चोरी की बिजली भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर हर सुविधा मुहैया कराई गई है। उसमें भी विधायक जितेंद्र वाट के कहने पर अब 4000 से रकम घटाकर 2000 रुपये कर दी गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।